वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पेस्ट कैटेगरीज। एंटोमोलॉजी का ये हमारा टॉपिक है, या फिर इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं, एंटोमोलॉजी का ही एक सब लेवल है। जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो हम पेस्ट कैटेगरीज को स्टडी करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि पेस्ट है क्या। हम हर उस चीज़ को पेस्ट कहेंगे, जनरली हम हर उस चीज़ को पेस्ट कहेंगे जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रही है उसको हम क्या कहेंगे कि ये पेस्ट है। अब ह्यूमन को वो कैसे नुकसान पहुंचा रही है, या तो लिविंग कंडीशंस को ख़राब कर रही है, ठीक है, या फिर उसकी फूड को ख़राब कर रही है, या फिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे। सो एनीथिंग डैट कैन हार्म ह्यूमन इज़ कॉल्ड एज पेस्ट। अब हमने देखना है पेस्ट कैटेगरीज। बेसिकली हमने ना 3 डिफरेंट पेस्ट कैटेगरीज जो हैं, डिफरेंट इनका हमने लेवल सेट किया है और उसकी बेस पे हमने कैटेगरीज बनाई हैं। अब सबसे पहला लेवल जो है ना, हमने सेट किया है पेस्ट कैटेगरी के हवाले से कि पेस्ट की वो टाइप्स जो कि बेस करती हैं एसोसिएशन विद द क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ उसकी कैसी एसोसिएशन है, इसकी बेस पे पेस्ट की कितनी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन सीजनैलिटी। सेकेंड जो है वो बेस करता है सीजनैलिटी पे, यानी किस सीज़न में पेस्ट जो हैं वो अबंडेंट हैं या किस सीज़न में वो प्रेजेंट नहीं होते, ये सारा जो है इसमें स्टडी करेंगे। थर्ड वन है पेस्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन EIL, GEP एंड DEB। अब ये क्या टर्म्स हैं, इनको हम इसी सेक्शन में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन एसोसिएशन विद क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ एसोसिएशन की बेस पे पेस्ट की कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है रेगुलर पेस्ट, यानी एक ऐसा पेस्ट है जो एक ही फसल के साथ अटैच है, एक ही क्रॉप के साथ उसकी एसोसिएशन है, उसने उसी क्रॉप पे अटैक करना है, उसने उसके अलावा किसी और क्रॉप पे अटैक नहीं करना। द इंसेक्ट विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन अ क्रॉप, जो सिर्फ एक क्रॉप पे अटैक करता है और उसकी उस क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन होती है, यानी उसने उसी पे ही अटैक करना है, उसके साथ वो क्लोजली एसोसिएट होता है, यानी उसकी जो बॉडी है वो इस तरह की होती है कि वो इजीली अटैक कर सकता है उस क्रॉप पे। इसमें हमारे पास एग्जांपल है थ्रिप्स की। थ्रिप्स जो है बेसिकली चिली पे आती हैं या कॉर्डामम पे। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है एफिड्स जो हैं वो कॉटन पे हैं। सनफ्लावर शूट जो है एंड कैप्सूल बोरर जो हैं वो कैस्टर पे हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है रेगुलर पेस्ट की। रेगुलर पेस्ट का क्या मतलब है कि उसकी एक ही क्रॉप के साथ एसोसिएशन है। ओकेजनल पेस्ट, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, ओकेजनल कभी कभार किसी मौके पे आने वाला, ठीक है। अब वो इंसेक्ट जो है ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं कि ये फ्रिक्वेंटली नहीं आते एक ही क्रॉप पे, और ना ही इनकी किसी एक क्रॉप के साथ एसोसिएशन होती है, यानी हो सकता है कि वो इस क्रॉप पे ओकेजनली आ जाएं तो उसको अटैक कर दें, या हो सकता है ना आए। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है केस वर्म्स इन राइस। ये तो थी हमारे पास किसकी बेस पे, सीजनैलिटी की, सॉरी ये हमारे पास थी एसोसिएशन विद क्रॉप की बेस पे। सो पेस्ट कैटेगरीज कितनी है एसोसिएशन विद क्रॉप की बेस पे, टू टाइप्स के पेस्ट हैं। पहला कौन सा है रेगुलर पेस्ट, दूसरा कौन सा है ओकेजनल पेस्ट। अब हमने देखना है पेस्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सीजनैलिटी, यानी सीजन्स की बेस पे पेस्ट कैटेगरीज कितनी तरह की हैं। पहले हैं सीजनल पेस्ट। सीजनल पेस्ट वो पेस्ट होते हैं जो एक स्पेसिफिक सीज़न में आएंगे, यानी गर्मियों में अगर उन्होंने आना है तो वो गर्मियों में ही अटैक करेंगे, या फिर जैसे अगर जनवरी फरवरी में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो जनवरी फरवरी में अटैक करेंगे। यानी ये ऐसे पेस्ट हैं जिनके सीज़न का हमें पता होता है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न पर आते हैं। अच्छा, अब इनका हमें पता, मतलब इनका हम कह सकते हैं कि इस मंथ में इनका आउटब्रेक हो सकता है या इस सीज़न में इनका आउटब्रेक हो सकता है, ये हम डिपेंड कर लेते हैं वेदर की बेस पे, ठीक है। यानी ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, वेदर पे और क्लाइमेट पे। यानी हमें वेदर से क्लाइमेट से पता चल जाएगा कि उस एरिया में फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ पेस्ट जो है वो अटैक कर सकता है। बेसिकली वेदर जो है वो शॉर्ट एरिया का होता है और क्लाइमेट जो है वो लार्ज टर्म की बात कर रहे हैं जब हम। इसकी एग्जांपल है हमारे पास रेड हेडेड हैरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट, यानी हमें पता है ग्राउंड नट पे ये जो कैटरपिलर ने आना है ये एक स्पेसिफिक टाइम पे आ जाएगा। नेक्स्ट है परसिस्टेंट पेस्ट, जो सारा साल रहता है। सीजनल तो वो था ना जो एक सीज़न में आता है,
इसका अपोजिट जो है वो परसिस्टेंस है, जो सारा साल ही रहता है। इसमें स्केल और मिली बग्स आ जाती हैं। अच्छा, अब इनका ना एक होल्ड होता है अपने होस्ट पे, ठीक है, और ये अपने होस्ट को सारा साल ही डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है स्पोरैडिक पेस्ट। स्पोरैडिक पेस्ट जो है ना, कह लें कि ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ लोकेलिटीज़ पे स्पोरैडिक पेस्ट आएगा, हो सकता है इधर अटैक ना करें, ठीक है, लेकिन वो इन एरियाज़ पे अटैक कर दे, यानी ऐसा इंसेक्ट जो कि फ्यू लोकेलिटीज़ में या पैचेस में अटैक करे। इसमें एग्जांपल है हमारे पास कैस्टर स्लग कैटरपिलर की। एपिडेमिक पेस्ट। एपिडेमिक बेसिकली होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे ना, या पर्टिकुलर सीज़न में, या एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इंसेक्ट इतना ज़्यादा हो जाए, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो सीवियर डैमेज काज करें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक पेस्ट। जैसे लोकस का अटैक हो जाता है तो बेसिकली वो एपिडेमिक अटैक है। अच्छा, एंडेमिक पेस्ट। अब एक इंसेक्ट ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली ना एक स्पेसिफिक एरिया को अटैक कर रहा है, यानी ये हमारे पास ना फॉर एग्जांपल एरिया है, इसमें से इस एरिया पे एंडेमिक पेस्ट मुसलसल अटैक कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये पेस्ट जो है ना वो इसी एरिया से बिलोंग करता है और यहाँ पे ही उसने अटैक करना है, यानी वो मुसलसल एक एरिया के साथ अटैच है और वहाँ पे जाके वो इन्फेस्टेशन या बीमारी जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये थी हमारी पेस्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सीजनैलिटी। कौन कौन सी ज़रा रिपीट कर लेते हैं, सीजनल पेस्ट, परसिस्टेंस पेस्ट, स्पोरैडिक पेस्ट, एपिडेमिक पेस्ट एंड एंडेमिक पेस्ट। ये फाइव है हमारे पास बेस्ड ऑन सीजनैलिटी। नेक्स्ट हमने बात करनी है पेस्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन EIL, GEP, DB। पहले तो हमने देखना है कि ये EIL है क्या, GEP क्या है और ये DB क्या है। EIL स्टैंड करता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी वो लोएस्ट लेवल, ठीक है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये एक बेसिकली कह लें कि एक ऐसा लेवल होता है जिस पे हम कह सकते हैं कि लोएस्ट पॉपुलेशन जो है इंसेक्ट की अगर इतनी हो तो वो इकोनॉमिक डैमेज काज करेगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कॉटन पेस्ट जो हैं उनके लिए इकोनॉमिक इंजरी लेवल 5 है, यानी अगर 5 कॉटन पेस्ट हूँ तो वो इकोनॉमिक डैमेज जो हैं वो काज कर सकते हैं। नेक्स्ट है GEP, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स की एवरेज पॉपुलेशन है, जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं ना इन्वायरमेंट में, यानी पॉपुलेशन में राइज आता है, फॉल आता है, उसकी बेस पे जो एवरेज बनती है पॉपुलेशन की वो इसमें आती है GEP में, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट है हमारे पास DB। DB जो है ना बेसिकली डैमेज बाउंड्री है, यानी जितना लोएस्ट डैमेज जो है ना वो होता है एक पेस्ट से वो इसमें आता है। अब की पेस्ट, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, ठीक है, और इसमें GEP जो है ना, यानी जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की वो ज़्यादा होती है इकोनॉमिक इंजरी लेवल से, यानी ये जो हैं सीवियर हैं और इंजरी काज कर रहे हैं। मेजर पेस्ट, इसमें GEP जो है ना वो इक्वल होती है या उसके बहुत क्लोज होती है EIL के, और इसमें इकोनॉमिक डैमेज जो होता है ना उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रे वगैरह से, कॉटन जैसेट्स इसके एग्जांपल हैं। माइनर और ओकेशनल पेस्ट, इसमें जो GEP है ना वो बिलो होती है EIL से, यानी इंसेक्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम है, और ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम जो है ना ये डैमेज काज कर दे, डस्की कॉटन बग है इसमें एग्जांपल। स्पोरैडिक पेस्ट, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे पेस्ट नहीं होते, यानी अगर अभी हम इनको देखें तो ये पेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कल को ज़्यादा मतलब मौसम चेंज हो, गर्मी ख़त्म हो जाए, तो हो सकता है यही जो इंसेक्ट्स हैं ना वो पेस्ट बन जाएं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पोरैडिक पेस्ट्स। अब इस स्पोरैडिक पेस्ट में और जो हमने सीजनैलिटी की बेस में स्पोरैडिक पढ़ा था उन दोनों को सेपरेट रखना है। उसमें स्पोरैडिक कौन सा था, जो एक मतलब कह लें कि स्पेसिफिक एरियाज़ में या पैचेस में जो है ना अटैक कर रहा था। इसमें स्पोरैडिक कौन सा है कि एट द स्पॉट वो पेस्ट नहीं है इंसेक्ट, लेकिन हो सकता है इन्वायरमेंटल चेंजेस आएँ तो वो पेस्ट बन जाए,
ठीक है, तो ये थी हमारी पेस्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन 3 मेजर लेवल्स।